हेलो एवरीवन, आज हम लोग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देख कर आए होंगे। अगर पीछे देखे होंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है रफ इंक्लाइंड प्लेट। ठीक है, देयर कैन बी फ्लोइंग केसेस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ईच केस आर डिस्कस्ड। अगर कोई बॉडी रफ हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा हुआ तो उसमें किस तरह के मोशन होगा, किस तरह के वहाँ पे फोर्स होंगे, कैसा फ्रिक्शन आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो सारी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला कंडीशन ले लेते हैं कि जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा हो तो मूव नहीं करेगा तो उसमें कोई जनरेट, उसमें कोई स्लाइडिंग फोर्स ही नहीं होगा, रेजिस्टेंस ही नहीं बनेगा, कोई अपोजिट फोर्स ही नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, एक बॉडी है यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पे दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट एरिया पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब स्लाइडिंग ही नहीं हो रहा। तो स्लाइड होता, मूव होता, तब ना उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता। तो जब अपना है, एक सेकेंड, चार्ज में लगा देते बाबू, थोड़ा सा एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। जब कोई फोर्स ही नहीं होगा तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तब ये तो जरूर हो, उसका वेट तो रहेगा, तब वेट होगा तो डब्ल्यू होगा, ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो क्या होगा, एन होगा। यानी अब हम लोग क्या देखते थे, हॉरिजेंटल ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, जितना भी हॉरिजेंटल में फोर्स है सबको जोड़ के जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब इधर टाइप वाला को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाला को निगेटिव। उसी तरह से वर्टिकल में समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, जितने भी वो अपर डायरेक्शन में है और जितने भी नीचे वाले डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन को प्लस लेते हैं और लोअर डायरेक्शन को माइनस में इज इक्वल टू जीरो। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू। तो ये यहाँ सिर्फ क्या फोर्स होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर कौन होगा, उसका वेट होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में तो कुछ था ही नहीं। चलिए सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, जब बॉडी क्या करे, पुल और पुश करे। ठीक है, जब बॉडी मूविंग अंडर द पुल और पुश, जब हम उस पर फोर्स अप्लाइड करें या पुल या पुश, ठीक है, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए कोई फोर्स है पी ले लिया, ठीक है, पी लिया, तो इसका वर्टिकल में कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा, और हॉरिजेंटल में क्या होगा, पी कॉस थीटा। ए वेट है, डब्लू नीचे लगाया, ठीक है, तो यहाँ से भी कोई नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो देखिए बना के दिखाते हैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम। तो किस टाइप से यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम होगा, देखिए तो यहाँ पे एक फोर्स लगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा ऊपर में पी साइन थीटा, और एक फोर्स लगेगा ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन, नीचे में कौन लगेगा, वेट। इधर कौन लग रहा है, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। इधर कौन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें, एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो उधर पी कॉस थीटा है प्लस में, इधर है एफ, हॉरिजेंटल वाला सिर्फ देखना है, एफ इजकल टू जीरो, एफ इजकल टू क्या हो गया, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल वाला के देखते हैं, तो वो ऊपर वाला को प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, तो ऊपर वर्टिकल है पी साइन थीटा प्लस एन इजकल टू डब्ल्यू। तो यहां से हमको वैल्यू निकालना है किसका, डब्ल्यू का निकालना है, या जिसका एन का ही निकाल लेते, एन का निकालना है, तो एन का निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो यही फोर्स बना, ये एफ हो गया, ये एन हो गया, यही दो वो फोर्स निकला, एक फ्रिक्शन फोर्स एक नॉर्मल फोर्स। तो आई होप समझ में आया होगा कि पहले हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि कितना उस पर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजेंटल इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं, ए फोर्स पी इज अप्लाइड टू द बॉडी, द फोर्स बॉडी डायग्राम इज शोन इन फिगर, दिया हुआ है। तो कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए तो, जब पी कॉस थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी कॉस थीटा, तो एफ इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। अब आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, पीछे पड़ गया है,
तो यहाँ पे जो पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, म्यू एन, और इसको मान लेंगे इक्वेशन वन। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो था, उसमें क्या था, एन इक्वल टू प्लस, एक सेकेंड, डब्ल्यू इक्वल टू क्या था, एन प्लस पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा था ना, ऊपर था ना, देख लीजिए एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए क्या था, पी साइन थीटा प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए एन इजिकल टू ए, इसको काट देते हैं बाबू, ठीक है, इसको काट देते हैं, क्या था यहाँ पे, पी साइन थीटा प्लस एन इजिकल टू डब्लू, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था, एन का वैल्यू, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस पी साइन थीटा, ठीक है, पी साइन थीटा, तो यही हो गया एन इजिकल टू डब्लू पी साइन थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया, गलती से लिखा गया था, काट भी नहीं पाए पीडीएफ में, ठीक है, इसको पेन से काट दीजिएगा, पी साइन थीटा, देखिए ऊपर जो ऊपर फोर्स था, ऊपर कौन कौन फोर्स था, पी साइन थीटा था, और कौन था, एन था, नीचे कौन था, डब्लू था, तो पी साइन थीटा प्लस एन इजिकल टू डब्लू, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस पी साइन थीटा, तो दोनों फोर्स निकल गया। तो पुटिंग द वैल्यू एन इन इक्वेशन वन, जहां आपको आया था पी कॉस थीटा इजिकल टू, पहले तो एफ था, तो एफ को किस में कन्वर्ट किए, म्यू एन में, एफ को किस में कन्वर्ट किए, म्यू एन में, और एन का वैल्यू आ गया क्या, डब्लू माइनस पी साइन थीटा। अब इसको दोनों को गुना कर सकते हैं आप, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू डब्लू, तो क्या हो गया, म्यू डब्लू, अब म्यू इंटू पी साइन थीटा, तो एन माइनस में तो इधर भेज दिए, प्लस में म्यू डब्लू इधर रह गया, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा, पी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन फाई, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या था, टेन फाइव, और टेन फाइव का वैल्यू क्या था, टेन फाइव साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, यहाँ पे अल्फा वाला भी ले सकते हैं, एंगल ऑफ रिपोज वाला भी, ठीक है, तो हॉरिजेंटल पे ले रहा है, तो हॉरिजेंटल पे किसका ले रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ले रहा है, ठीक है, तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव साइन थीटा, और इधर क्या हो गया, म्यू का वैल्यू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव डब्लू, तो यहाँ से कुछ रिलेशन बनेगा आपका, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव है, ठीक है, यहाँ पे क्या, कॉस फाइव को कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव इजकल टू, यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, डब्लू साइन फाइव। अब आइए यहाँ पे डब्लू का वैल्यू, यहाँ पे पी का, पी कॉस कॉस ए इंटू बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब कॉस प्लस कॉस बी इंटू कॉस, सॉरी क्या था, साइन, साइन है, साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो ये हो गया पी इंटू कॉस ए माइनस बी इजिकल टू डब्लू साइन फाइव। तो यहाँ से हम पी का वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा, डब्लू साइन फाइव बटा कॉस थीटा माइनस फाइव, ठीक है। ये पी जो है मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाए, थीटा इजिकल टू फाइव, तो थीटा इजिकल टू फाइव कितना हो गया, वन हो गया, थीटा और फाइव हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, जीरो का मान कितना होता है, वन, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जब पी मिनिमम होगा तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पी मिनिमम होगा, तो कॉस थीटा माइनस फाइव कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वही कॉस फाइव थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, कब, जब दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी ऑफ द न्यूटन वेट 5 न्यूटन ऑन ए रफ हॉरिजेंटल सरफेस इज 20 न्यूटन वेयर इट इज अप्लाइड ऑन एंगल 25 न्यूटन। तो क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे सब दिया रहता है, ठीक है, या नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन से आप ले सकते हैं कि आपका जो वेट है 50 न्यूटन का है, उस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, उसके बीच में एंगल दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फोर्स लगाया था 25 डिग्री पे, तो आप कंपोनेंट तोड़ने के लिए बताए थे ना 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 cos 25 डिग्री, अब वर्टिकल में कितना हो जाएगा, P sin 25 डिग्री, ठीक है। अब P का मान कितना था, 20 था ना, तो यहाँ पे 20 पुट कर देते हैं, 20 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 20 sin 25 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 cos 25 डिग्री। एक और यहाँ पे फोर्स लग रहा था नॉर्मल, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, इधर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब इतना ही फोर्स आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे 20 sin 25 डिग्री हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 cos 25 डिग्री, 25 डिग्री इधर की डायरेक्शन में, ओह सॉरी सॉरी एन है ना, एक सेकेंड, एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 20 cos 25 डिग्री, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो क्या है एफ, और नीचे क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू, तो हॉरिजेंटल ऑफ जितना भी फोर्स है वर्टिकल फोर्स है तो उतना, पहले वर्टिकल वाला कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्टिकल निकालिए चाहे हॉरिजेंटल निकालिए कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्टिकल को देख रहा था जीरो, तो ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा था, तो ऊपर फोर्स लग रहा था एन 20 sin 25 डिग्री, ठीक है, और नीचे कौन लग रहा है माइनस में डब्ल्यू इजिकल टू जीरो, तो यहाँ से हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा इन माइनस में डब्ल्यू तो उधर प्लस में डब्ल्यू, इधर प्लस में 20 sin तो उधर माइनस में 20 sin 25 डिग्री, ठीक है 25 डिग्री, तो एन इजकल टू डब्ल्यू माइनस पी साइन 25 डिग्री, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 50 न्यूटन, पी का वैल्यू दिया था 20 धर दिए, और साइन 25 का मान 0.4, ये आ गया वर्टिकल में फोर्स, एन का वैल्यू आ गया, ठीक है वर्टिकल फोर्स का वैल्यू आ गया कितना इतना। अब हॉरिजेंटल में निकालते हैं, तो हॉरिजेंटल में दो को तो फोर्स है, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर है एक 20 cos 25 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा एफ माइनस 20 cos 25 डिग्री, ठीक है cos 25 डिग्री यानी जीरो, तो एफ एफ इजकल टू क्या हो जाएगा 20 cos 25 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो एफ एफ इजकल टू क्या हो गया 20 cos 25 डिग्री, उसका वैल्यू हो गया 18.13। अब म्यू इजकल टू क्या पढ़े थे आप, एन अपॉन एफ, तो एन का वैल्यू निकल गया एफ का वैल्यू निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए वही आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, चलिए क्लियर है। अच्छा और एक चीज तो छूटी है, यहाँ पे क्या पूछा था कि एन का भी वैल्यू निकालो ना, एन का वैल्यू निकालो, तो एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, एन का वैल्यू कितना है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू न्यूटन नॉर्मल फोर्स पूछा था, तो नॉर्मल फोर्स के लिए आप बना सकते हैं ए फिजिकल टू क्या होता है म्यू एन होता है, तो एफ का फ्रिक्शन फोर्स पता हो गया 18.13 है, म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिएगा एन का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब वैसे तो एन का वैल्यू यहाँ पे आया है, यही तो एन का वैल्यू भी है, तो निकालना क्या जरूरी है, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट पूछा तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट पूछा तो आर इजिकल टू क्या होता है एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा, आर एन का वैल्यू पुट कर दीजिएगा एफ का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ब्लॉक ऑफ वेट 5 किलो न्यूटन इज पुल्ड 5 किलो न्यूटन से ऑफ ए फोर्स पी, ये 5 न्यूटन का इस किलो न्यूटन का इस पे वेट का ब्लॉक है जिसको पी फोर्स से खींचा जा रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस इज जीरो, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.35, फाइंड द डायरेक्शन थीटा फॉर द विच पी इज मिनिमम एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पी, जब मिनिमम होता था तो क्या बता रहे थे कॉस थीटा जो होता है कॉस फाई इजकल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो इसी कंडीशन को वहाँ पे पुट करेगा आगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे पी का वैल्यू पूछा है और क्या पूछा है डायरेक्शन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो पी निकल जाएगा तो थीटा का वैल्यू अपने से निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, डब्ल्यू नीचे लग रहा है वेट लग रहेगा, यहाँ पे पी कॉस थीटा होगा क्योंकि इंक्लाइन था थीटा डिग्री से, तो ये पी कॉस थीटा होगा, ऊपर क्या होगा पी साइन थीटा होगा, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एन, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो देखे तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा पी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो ये फोर्स है एक इधर है एक इधर है, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, तभी तो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, या आप लिख सकते हैं ऐसे एफ माइनस पी कॉस थीटा इजकल टू जीरो, तो पी इजकल टू क्या हो गया एफ इजकल टू क्या हो गया पी कॉस थीटा, ठीक है, एफ इजकल टू पी कॉस थीटा, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो देखे तो क्या है ऊपर एन प्लस पी साइन थीटा ऊपर की ओर है और नीचे डब्ल्यू के बराबर हो गया, यानी ऐसा भी इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस एन माइनस पी साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो डब्ल्यू इजिकल टू दोनों उधर जाकर प्लस हो गया। अब कोई सोच रहे हैं सर ऊपर जा रहे थे इतना प्लस ना होगा, तो इतना प्लस तो इसको माइनस कर लीजिए, डब्ल्यू इधर माइनस में तो उधर भेजिएगा, तो एन प्लस पी साइन थीटा, जैसे भी कीजिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन है आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया एन प्लस साइन थीटा पी साइन थीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इजिकल टू क्या होता है फाइव, आपको पता है पीछे पड़ के आए हैं, टेन
टेन इनवर्स म्यू ऐसा पढ़े थे ना, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा था, टेन थीटा था और क्या था, टेन थीटा नहीं वो, अच्छा थीटा दिया है ना वो अल्फा है जो एंगल ऑफ रिपोज था, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू टेन फाई, तो ये थीटा और फाई यानी अल्फा और फाई है जो टेन इनवर्स म्यू, ठीक है, म्यू का वैल्यू ऊपर दिया हुआ था 0.35, तो इसका म्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू आ गया, तो आप पी इजकल टू डब्ल्यू साइन फाई एक फार्मूला पीछे दिए थे निकाले थे और बटा क्या था कॉस थीटा माइनस फाई, पढ़े फार्मूला याद है ये वाला, जहाँ इसका वैल्यू जब ये मिनिमम होता था इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाता था, तो पी टू बी मिनिमम तो कॉस थीटा माइनस वन इजकल टू कितना बताए थे, वन पुट करना है, तो यहाँ पे पी इजकल टू क्वेश्चन भी क्या पूछा है मिनिमम ही पूछा है ना, इसलिए इसका वैल्यू वन पुट कर दिए, ठीक है, तो डब्ल्यू साइन फाइव बटा कॉस थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना है, वन है, वन पुट कर दिए, ठीक है। अच्छा उतना भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना इस तरह से, तो देखिए अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, देखिए थीटा और फाइव का वैल्यू बराबर है तो 20.48, तो 20.48 20.48 पुट कीजिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है कट के अंदर कितना बचेगा जीरो, तो कॉस जीरो का मान वन ऐसे बनाइए तो वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी इजिकल टू सिर्फ क्या बचेगा डब्ल्यू साइन फाइव, तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना था 5 किलो न्यूटन, साइन फाइव, फाइव का मान कितना है 20.48 डिग्री, ये आ गया आंसर आपका, तो पी इजिकल टू कितना बना 1.75 किलो न्यूटन आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कल से जो आपका यहाँ पे मेन क्वेश्चन है वो लैडर फ्रिक्शन है, वेज फ्रिक्शन है, एसक्यू एसक्यू जैक है, ठीक है, यहाँ तो अभी तक बेसिक ये सब चीज़ तो आप 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवरव्यू देना था इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को भी करवा रहे हैं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनक्लाइंड प्लेन वाला से, तो रफ इनक्लाइंड प्लेन, देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन इट, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप द प्लेन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.42 है, ठीक है 0.42 दिया हुआ है, तो एक फिर इसको फिगर से समझते हैं कि ये आपको दिया हुआ एंगल ऑफ रिपोज थीटा है ना अल्फा थीटा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है, मतलब कोई कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये थीटा है, कोई भी फोर्स लग रहा है तो ऊपर फोर्स पी लग रहा है और यहाँ पे वेट लग रहा है, तो वेट को हम लोग एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से लिखते हैं, जब फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है तब फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आर, देखिए आप शायद अभी तक आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, एन और आर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, एन को ही आर लिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन को, और थीटा लिखे या फाई क्या था अल्फा लिखे दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, एन और आर सेम ही चीज़ है, तो अलग अलग बुक से क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, तो हर क्वेश्चन अलग अलग नाम से लिखता है इसलिए मिक्स है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पहले ही हम बता दिए कि ये है क्या, ठीक है। चलिए अब आपको इसके बारे में बता के आए थे पीछे, डिराइव भी करके आए थे कि जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स होता है वो जीरो होता है, जितने भी वर्टिकल फोर्स होता है वो जीरो होता है, हमको वैल्यू पी का निकालना है तो हम हॉरिजेंटल वाला ले लेते हैं, हॉरिजेंटल पे जो भी फोर्स है जीरो है, तो ऊपर पी जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन वाला को पॉजिटिव ले रहे हैं इधर वाला को नेगेटिव, तो पी इजिकल टू क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को कि म्यू आर के नाम से लिख म्यू एन के नाम से लिखते थे फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, तो ये एन को यहाँ पे नाम क्या दे रहे हैं आर, तो म्यू आर एम जी साइन थीटा म्यू, आर का वैल्यू क्या है आर किसके बराबर है देखिए, तो यहाँ पे आर है यहाँ पे नीचे किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम फोर्स देखिए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आर का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, अब एम का वैल्यू दिया हुआ था, जी का वैल्यू पता है, साइन थीटा साइन 45 डिग्री दिया हुआ था, कितना साइन 30 डिग्री हुआ दिया हुआ है, ठीक है, तो 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे, तो 10 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, मास दिया हुआ है, जी का वैल्यू पता होता है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस 30 का मान √3 होता है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप अभी तक बेसिक चल रहा था, कल से हम लोग लैडर फ्रिक्शन बेज फ्रिक्शन पे चलेंगे, तो आई होप जिनको क्लियर नहीं था क्लियर हो चुका होगा,
नहीं क्लियर होगा तो आप फिर से उस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबू यहाँ तक बने रहने के लिए। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे बेज फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।